आहा सज्जनों, कोई भवानी नहीं, कोई साखी नहीं, चलते हैं सीधे प्रसंग की तरफ। मेरी कहानी, मेरी कथा, मेरा जिक्र, मेरा भजन उस समय का है जिस समय आज काशीपुर की तीन पुत्रियां थी। उन तीनों पुत्रियों का पितामह भीष्म स्वयंवर में जीत लाते बाबा साहब। अंबिका और अंबालिका की शादी अपने भाई चित्रवीर और विचित्रवीर के साथ कर दी। रह जाती है अम्मा, अम्मा कहने लगी, हे पितामह भीष्म, आप मेरे स्वामी बन जाइए। पर लेकिन पितामह भीष्म साफ मना कर देते हैं सज्जनों। वो अम्मा पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास पहुंच जाती है। सुनिएगा, और परशुराम जी से कहने क्या लगी और कैसे की बोलेगी मारी।
कुछ समझ ले बंदे, कहा है क्या अब आऊ सोच समझ ले रे बंदे, जो चाहे निस्तारा। यम के दूत इसके बाद में ओमवीर भरतपुर तैयार है। जय श्री राधे। नमामी नमस्कार राधे राधे साहब। कवि ने कलम को उठाया और बड़े ही सुंदर शब्दों में कवित के माध्यम से बताया, और किस प्रकार सुगंध समीर चली ना चली की कल काल कोठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट जिली ना झिली, भज ले हरि नाम हरि रसना, जने अंत समय पे हिली ना हिली। देखिए समय का अभाव, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। प्रसंग उस समय का जिस समय पांचों पांडव छठवी मां कुंती बी आर मीणा और 21 रुपए का पुरस्कार बी आर मीणा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पांचों पांडव छठवी मां कुंती लाक्षा ग्रह से निकल करके पियावन जंगल में पहुंच जाते हैं। देखिए आज पांचों पांडव छठवी मां कुंती पियावन जंगल वृक्ष के नीचे ठहर गए कि प्राण बचाए पांडवा पांचों, कि प्राण बचाए पांडवा पांचों, विकट बनी में जा रहे डूबिया भान निशा है आई, दिल में दुख मनाए रहे। क्या तरवर देख बनी के अंदर, क्या तरवर देख बनी के अंदर, और करने रेन बसेरा दियो डाल बनी में। और देखिए मराठी आ रही है और किस प्रकार बताया कैसे, पहरा
बिहार की राजी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज माँ जो पांडा और छठवी माँ कुंती बियाबान जंगल में वृक्ष के नीचे ठहर गए, लेकिन जैसे ही अपनी माँ अपने भाइयों की हालत देखी, भीमसेन क्रोधित हो गया। और देखिए बताया अर्थ के माध्यम से कि हालत देख माधुरातन की हालत देख माधुरातन की, और तीस भीम के होती है पड़ते पैर सदा फूलों पे आज धरा पे होती है। आज वो भीमसेन विचार कर रहा है कि किसी समय पर हम राज्य किया करते थे और आज हमारी दशा क्या है। लेकिन देखिए क्रोध में आकर के वो भीमसेन क्या करता और बताया कैसे। किया क्या मकूते हो देख फिरे और ले हो तमाशा मेरा, और बा दुर्योधन को मार के